दोस्तों मैं आज हूँ आकर एक्वेरियम में और आज मैं इनके पास न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में इनका जो अनबॉक्सिंग का पूरा स्टॉक था वो कवर किया था और उस वीडियो में हमने 10,000 प्लस जो एक्वेरियम फिश है वो अनबॉक्स किए हैं। अगर आपने किसी भी तरीके से वो मिस किया रहेगा तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा इनका स्टॉक विद प्राइस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अभी मिलते हैं आकर एक्वेरियम के ओनर से जिनका नाम है राजन पाटिल। तो हमारे सामने है राजन सर जो आकर एक्वेरियम के ओनर है। पहली बात तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर न्यू शॉप। थैंक यू सर। और अभी अंडर सेटअप ही है आपका शॉप। ज़रूर हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आपके पूरे शॉप के लेआउट के ऊपर कि कहाँ पे आपने अभी सेट किया है। तो सर हम लोग आज के वीडियो में पूरा स्टॉक कवर करने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग आपका कवर किया था, शायद से मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अनबॉक्सिंग है वो कवर किया है। यस 8,000 to 10,000 फिशेज थे। तो आज हम लोग है वही स्टॉक कवर करने वाले हैं और उसमें हम लोग प्राइस जानने वाले हैं। तो कहाँ से हम लोग शुरुआत करें सर? अब इधर जायंट स्टॉक से स्टेट करते हैं। यस अभी मेरा जनरली ये सेटअप लगा भी नहीं है। हाँ हाँ पब्लिक डिमांड में मैंने फीचर्स मंगाए थे। हाँ हाँ सब लोगों का कहना ऐसा था कि गणपति है। हाँ वह सेटअप रेडी भी नहीं था ऑलमोस्ट, तो भी मैंने फीचर्स मंगाए क्योंकि कस्टमर बोल रहे थे कि आज मैंने कुछ मिल नहीं रहा करके। तो इस हिसाब से मैंने अभी जायंट्स वगैरह भी लॉन्च चालू कर दिया है, देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको मैं क्लेरिफाई करता हूँ, सेटअप अंडर सेटअप है पूरा। तो आपको किसी किसी टाइम में आपको लाइट नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको कुछ ही एक हाथ दो महीने में पूरा जो वेल सेटअप हो जाएगा। तो आपको हर एक टैंक में आपको अच्छा खासा आपको जो लाइट है उसका सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो भी हम लोग पूरी तरह से अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये नाइफ फिश है, कौन सी फिश है? क्लाउन नाइफ बोलते हैं। अच्छा और ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 10 inches है। अच्छा 10 inches। हाँ, और इसका कॉस्ट है आपका 6,000 रुपये का है। 6,000 का पेयर। एक्चुअली जो इसको लेजर फिश जो बोलते हैं वो इंडियन इससे आता है, बराबर ब्लैकिश रहता है, इम्पोर्टेड लेजर से, इसको क्लाउन नहीं बोलते। अच्छा अच्छा। और सर यहाँ पे मैं फ्लैक्टेल कवर कर रहा हूँ। आपके फ्लैक्टेल है, रेटेल फ्लैक्टेल है, देख रहे हो ये ऑलमोस्ट एक 6 inches प्लस है, बराबर। और इसका कॉस्ट है आपका 10,000 रुपये का है। आप जो देख रहे हो सब ये आपके अरवानाज है। इसमें ये जो अरवाना है आपका, ये ग्रीन अरवाना है। हाँ ये आपका एक 15,000 रुपये का पीस है। अच्छा बाद में ये आप देख रहे हो ये आरटीजी है। हाँ ये आपका 40,000 रुपये का पीस है। हाँ बाद में ये आप जो देख रहे हो ना ये बंजर रेड है जिसको R2 बोलते हैं। यस उसका कॉस्ट है 20,000 रुपये का पीस। क्या साइज के इनका? ऑलमोस्ट आपके 16 to 18 inches है। अच्छा यहाँ आप जो देख रहे हो इसमें एक हाईबैक अरवाना है, दूसरा जो आप सिल्वर में जो दिख रहा है वो एक्चुअली अलग सिल्वर बना है। अच्छा लाइट नहीं है इसके लिए आपको तुम्हें दिख रहा है कि अलग सिल्वर है। वो तीसरा जो है आपका आरटीजी बना है। अच्छा तो इसका कॉस्ट जो है वो 12,000 हम निकाल रहे हैं, थोड़ा निगोशिएबल इसमें। और बाकी जो है आपका अलबिन बना है। हाँ ये अलबिन वाला कॉस्ट आपका 9,000 रुपये का पीस यहाँ पे। सर अभी इधर जो आप देख रहे हो ना ये सब आपके किंग कॉन्ग पैरेट है। हाँ हाँ और ये किंग कॉन्ग पैरेट्स का कॉस्ट है आपका 5,000 रुपये का आपका है। अच्छा और जो ऑस्कर्स जो आप देख रहे हो एक्चुअली ऑस्कर्स मेरे नहीं है, तो मेरा क्लाइंट जो थोड़ा गया था जाता तो उसका इशू तो कोई नहीं था, उसने लाके छोड़ दिया था। अच्छा ऑस्कर्स मेरे नहीं है सर, से आपको रेट नहीं दे पाऊंगा। और बाकी ये चिकलेट जो है, हाँ ये भी चिकलेट आप देख रहे हो ना, ये चिकलेट आपके एक्चुअली इसमें काफ़ी मैंने 200 वाले इंडियन, बाद में आपके 200 वाले इम्पोर्टेड ऐसे सब मिक्स किए हुए। तो हाँ। ये पैर आपका अभी मैं शायद ऑफर में निकाल रहा हूँ 350 का पैर। अच्छा और डजन में आप लेंगे तो ज़्यादा एक 1,800 डजन मिल जाएगा आपको मिक्स। सॉरी सर अल्बिनो एक्लीज़। ये अल्बिनो एक्लीज़ है। हाँ हाँ और अल्बिनो एक्लीज़ जो है उसका आपका कॉस्ट है 3,000 रुपये का पैर। ये इम्पोर्टेड है, इसमें लोकल आएंगे तो सर सस्ते आते हैं। और यहाँ पे सर ये जो आप देख रहे हो इसको एसोर्टेड एंजल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये अंजल देखोगे ना रेड एंजल्स है। हाँ हाँ। और ये आप अपने मिक्स पैटर्न में आए हुए हैं, इसको जनरली एसोर्टेड एंजल्स ही बोलते हैं। तो इसका कॉस्ट है 1,500 रुपये का। काफ़ी ब्यूटीफुल एंजल्स है आप देखोगे उस पर, तो साइज बड़ा है काफ़ी ऑलमोस्ट। ये आपका अगर देखोगे ना तो 4 inches प्लस 4 inches से गिच चाहिए, 3 inches काफ़ी सुंदर है। और नीचे भी है
ये आपके मार्बल है, मार्बल और आपका वुडन एंजल हुआ मिक्स है इसमें। हाँ। इसका कॉस्ट है, ये भी फुल साइज है, इसका कॉस्ट है आपका 650 रुपये का है। और एक गोल्ड पीस सर, ये आप जो गोल्ड पीस देख रहे हो इसमें जो आपके पेंटेड गोल्ड जो है इसको ट्राइगल गोल्ड बोलते हैं। इसका कॉस्ट है आपको 6000 रुपये का है। जो रुकिन गोल्ड आप देख रहे हो इसका कॉस्ट है आपका 3000 रुपये का है, रुकिन गोल्ड है। और यहाँ पे सर ये आप देख रहे हो स्टिंगरेज है मोटर हो, और इसका कॉस्ट है आपका 7500 रुपीज। और बाकी आप देख रहे हो पीछे हाइब्रिड स्टिंगरे स्पंज के पीछे वो, ये है आपका 12000 रुपीज अ पीस। और इस टैंक में सर ये आप जो देख रहे हो रेड शिवराम्स है। और ये जनरली आप रेड शिवराम्स इम्पोर्टेड है नहीं इम्पोर्टेड उसको बोल सकते, एक्चुअली पेंटेड है। अच्छा, इसका अच्छा। कलर रहेगा नहीं बोल सकते। और इसका 500 रुपीज पेयर है। अच्छा। जनरली लोकल ब्रीड होता है, बाद में इसको लोग हार्मोन्स करते हैं। यस। तो आप रेड शोराम को देखोगे ना तो उसका जो वेन्स वाला जो है पूरा क्लियर दिखता है, इन्हें मार्केट में रेड शोराम बोल के ही बिका हुआ दिखता है। हाँ। ये 500 रुपीज पेयर। इसमें आपके एम्बर्स है, बाद में ग्रीन रास्पबेरीज है। हाँ। जो अंडर सेटअप था तो जो फिश हम लोगों ने अच्छे से काफी स्टॉक था ना तो एक टाइम में छोड़ दिए थे, बाद में फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी तो आपका इसमें ग्रीन रास्पबेरीज जो है आपका 150 का पेयर है, एम्बर 100 रुपीज पेयर। हाँ। आपका ये जो है ना चाइनीज शक्कर है। हाँ हाँ। और ये आपका बॉर्नियो शक्कर है। अच्छा। आप जैसे कर सकते हो चाइनीज शक्कर बॉर्नियो शक्कर में। यस, इसको हिस्ट्री लोज बोलते हैं चाइनीज शक्कर को। ये आपका 500 रुपीज पेयर है और ये वाला जो है आपका 400 रुपीज पेयर है। अच्छा। इस टैंक में आपके रेड ऑफ डॉलर्स है। हाँ हाँ। उसका कॉस्ट है आपका 5000 रुपीज पेयर। और बाकी सिल्वर शार्क जो है ये आपके बलून सिल्वर शार्क है ये पीस छोड़ के। अच्छा। वो आपका है 2000 रुपीज पेयर। और बाद में आप जो देख रहे हो आपके रेड फ्रंट है उसका कॉस्ट आपका 12000 रुपए है। साथ में आप देख रहे हो जो जियो फिगर्स है, जियो फिगर्स में आपके दो वैरायटीज है, एक तो आपका जियो फिगर्स सोलेंसिस है और बाकी ये आपके सुमेंस हो गए। और ये जो ये देख रहे हो ना ये वैरायटी, ये वैरायटी जो है आपके हिकेलीज है। और हिकेलीज का भी सेम रेट 1250 का है। तो रे सर पीछे एलिफेंट नोज, ये आपका एलिफेंट नोज है, उसका कॉस्ट है आपका 1800 का है। और ब्लैक गोस्ट भी है मीडियम साइज में। हां हां। उसका कॉस्ट है 500 रुपए, छोटे भी है 300 रुपए का छोटे स्टैंग में। और यहां पे सर ये आपकी लोकल डिस्कस है, इसका कॉस्ट है आपका 1200 रुपए पेयर। और ये आप देख रहे हो मलेशियन है। हां हां। मरीन डिस्कस में आपके इसमें लेपर्ड्स है, बाद में इरप्शंस है, बाद में आपके इसमें आइसोल डिस्कस भी है, वो एक्चुअली इंडियन है ये सब इसका। और आपका ये जो है डिस्कस में मलेशियन डिस्कस है, उसका कॉस्ट है आपका 1600 से लेके 1700 रुपये तक है। ये मिलियन गोल्ड है एक्चुअली, आप देख सकते हो इसमें। हाँ हाँ। वो आपका एक मिलियन गोल्ड का कॉस्ट कुछ 6000 से 7000 पे है, मैं एक्चुअली भी चेक भी नहीं कर रही थी, 6 to 7000 रुपीज़ पेयर मलेशियन डिस्कस। जो आप देख रहे हैं वहाँ ये लोकल डिस्कस है भी, लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। ये थोड़ा और इसका कॉस्ट काफ़ी कम है आपका 2000 रुपीज़ पेयर है। और ये आपके मोनो एंजल्स है। हाँ हाँ। ये आपको तो मालूम है कि ये अपना श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर में मिलता है, इसका कॉस्ट है आपका 300 रुपीज़ पेयर। और ये अरवाना, अरवाना जो देख रहे हो ना तो अरवाना का कॉस्ट है आपका 850 रुपीज़ पीस। अच्छा। और साथ में आप देख रहे हो अमेरिकन फ्लैग्स है। हाँ। ये इसका कॉस्ट है आपका 3000 रुपीज़ का पैर, छोटे अमेरिकन फ्लैग है सर। अरवाना, अरवाना आप जो देख रहे हैं बंजर अरवाना है। हाँ हाँ। बंजर अरवाना का कॉस्ट जो है आपका 11000 है, ये निगोशियबल है एक्चुअली इसका। हाँ हाँ। बाद में आपका जो सब अरवाना निगोशियबल है, सुपर हाई पैक जो है आपका 15000 रुपीज़ है। अगर कॉल करेंगे तो जो इसको मंगाएगा तो उसको निगोशियबल हो जाएगा। और आरटीजी जो है आपका, हाँ वो आपका आरटीजी का 12000 है और हाई बैग भी आपका 12000 रुपीज़ पीस। क्या इनका साइज रहेगा? ये अलग अच्छे 6 inches प्लस है, और मेरे हिसाब से बंजर रेट तो 6 inches से काफ़ी बड़ा है। अच्छा। और ये 6 inches है, ये 6 inches थोड़ा सा कम है। अच्छा। इसे अभी जनरली आप अगर एशिया में देखोगे तो आपको 6 inches के आसपास ही आते हैं, क्योंकि उसमें क्या जो चिप उन पे इंसर्ट होता है ना। हाँ हाँ। साइज लगता है वो टाइम से, तो छोटे चिप नहीं आता है। अच्छा। और ये सर
ये जो आप देख रहे हो ना ए ग्रेड का, ये एक्चुअली आपके पैरेट्स है, येलो पैरेट्स है, ग्रीन पैरेट्स है, तो ये हम लोग बेचते हैं एक्चुअली 900 रुपए पे। काफी जन का कहना ऐसा है कि इसमें सस्ता भी मिलता है, तो ऑफ कोर्स मिलता है इधर, ओके, तो ये बिकॉज ऑफ लाइटिंग बराबर है। तो आप देख रहे हो कि इसमें ये जो पैरेट्स है ये आपका बी ग्रेड पैरेट्स है, ओके, तो ये सिंगापुर से आता है ये, और ये आपका बैंकॉक से आता है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पैरेट है इसका बिग बिग जो है नॉर्मली उतना नहीं मिलता है। हाँ। ये आपको आ जाएगा 600 रुपए। हाँ। ये आपको 900 रुपए। अच्छा। येलो रेड का भी सेम रेट हो गया ऑलमोस्ट। और ये आपके हार्ट शेप पैरेट्स है। हाँ। और हार्ट शेप पैरेट्स का आपका कॉस्ट है आपका 1200 रुपए, हार्ट शेप येलो एंड रेड दोनों भी। और ये शिवराम्स है। हाँ। शिवराम्स का कॉस्ट भी आपका सेम आएगा 1250 रुपए। ये आपके बलून रामा रोजेज है। हाँ। तो ये वराइटी जो बलून रामा रोजेज का, ये आपका कॉस्ट है इसका 700 रुपए। अच्छा। और ये गोल्डन रैम्स है सेम टाइप में, उसका आपका कॉस्ट 800 रुपए। और ये एक्चुअली थोड़ा भी इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है, उसमें गोल्डन भी है, इसका कॉस्ट 900 रुपए। एक्चुअली ये जब ये आया था अनबॉक्सिंग किया था तभी, ये छोड़ने के बाद थोड़ा कंडीशन नहीं देते, हमने क्रॉस मार के रखा था, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि कल तक सीलिंग के लिए निकल सकते हैं। अभी ये 900 रुपए। ये आपके हाइफिन सकर्स है 500 रुपए। और इसमें कॉरीज है एक्चुअली, लेकिन ये कॉरीज का देख रहे कंडीशन नहीं है, जिसमें भी आपने क्रॉस मारा हुआ है वो क्वारंटाइन में रहता है, तो आप देख रहे एक पीस मरा हुआ भी है, तो इसमें हम लोग हाथ डालते नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है इसके लिए। ये भी एक्चुअली रोबोट की कॉरीज है, और इसका कॉस्ट जब भी सेव हो जाएगा तभी आपका रहेगा 1200 रुपए। ये कंडीशन नहीं है एक्चुअली। और सर ऑस्कर, ये जो आपके ऑस्कर्स है इसमें सिर्फ चार टाइप के ऑस्कर्स है। आप जो पीछे की तरफ देख रहे हो ना वो रेड फायर ऑस्कर्स है, उसका कॉस्ट आपका 500 रुपये। बाद में सिर्फ आपका टाइगर कॉपर टाइगर ऑस्कर्स है, कॉपर रेड ऑस्कर्स है, उसका कॉस्ट आपका आएगा एक 300 रुपये। और ये सर, ये आपके वीडियो रेटर्स है। हाँ हाँ। तो वीडियो रेटर का कॉस्ट अभी तो काफ़ी कम हो गया, तो ये आपको आएंगे 60 रुपये गोल्डन अपना ग्रीन और येल्लो। और बाकी जो है आपके रेड वाले उसका पैर है 18 रुपये। और ये आपके हनी गुलामीज है, और ये एक्चुअली हनी गुलामी जो डॉग गुलामी बोलते हैं सबसे डॉग गुलामी यही होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, एक इंच के आसपास होता है। हाँ। और इसका कॉस्ट है आपका 200 रुपये। ये आपके पेंटेड बोलते हैं ये हनी गुलामी, थोड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ। और बाकी जो आपके डॉग गुलामीज है उसमें कोबाल्ट है, रेड आपका रेड गुलामी है, बाद में लिली गुलामी है, इसका कॉस्ट आपका 300 रुपये है। सर ये आपके इलेक्ट्रिक ब्लू आकार है। हाँ। ये निवन आकार बोलते हैं इसको, तो इसका कॉस्ट है आपका 300 रुपये। और ये यहाँ पे, ये आपके कोरल रेड पैटीज है। हाँ हाँ। और कोरल रेड पैटीज इसका आपका कॉस्ट है एक 80 रुपये। और ये सर, ये आपके गाड़ी डेटवास है। हाँ। गाड़ी डेटवास का रेट है 150 रुपये। और ये इसमें आप देख रहे हो ना, तो ये आपके येलो पीस है। हाँ। और साथ में बिम्बा वैरायटी है आपका। हाँ। जो टैंगनिकल्स है, ओके, तो इसका कॉस्ट है आपका 1200 रुपये। और बचाड़ीज भी है। हाँ। बचाड़ीज अभी थोड़े सस्ते आ रहे हैं, तो बचाड़ीज का रेट है आपका 600 रुपये। ये आपके सेंटा क्लॉस शॉर्टेज है। हाँ। इसका कॉस्ट है आपका 100 रुपये। और ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग वैरायटी है, ये इसको छोड़ के, ओके, ये तो मैंने मिक्स कर इसमें आया था इसके लिए, इसको बोलते हैं पब्लिक रूबीज रामा रोजेज। अच्छा। जनरली ये जायंट रैम्स है, जैसे कि आपको वॉल्विन रैम्स बड़े होते हैं बराबर, वैसे बड़े होते हैं और काफ़ी कम मिलते हैं। इसका अगर आप प्रॉपर देखोगे तो इसके लाइन स्पॉट ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू अदर्स जो आपके रैम्स आते हैं उससे। इसका कॉस्ट थोड़ा महंगा था, ये 1500 रुपये। इसका हार्लिंग लाजपुरा है, हार्लिंग लाजपुरा कॉस्ट है आपका 120 रुपये रुपये। ये आपके रमिनोज है, ये आपका एक्चुअली है, इसका कॉस्ट है आपका 200 रुपये। पुलिनोज 100 रुपये। न्यूआर टेक्टर है, उसका कॉस्ट है आपका 50 रुपये रुपये। ये अल्बाइनो कॉलेज है, अल्बाइनो कॉलेज का रेट है आपका 80 रुपये रुपये। और साथ में आपकी गाड़ी क्लिनिकली फीस है। और ये इसका कॉस्ट है आपका 300 रुपये रुपये। और यहाँ पे सर, ये आपके कॉन्गो टेट्रास है। कॉन्गो टेट्रास का रेट है आपका 600 रुपये। उसमें साथ में आप देख रहे हो पांडा का, ये है पांडा का, तो पांडा कलर का कॉस्ट जो है आपका 500 रुपये है। ये ग्रीन टेलर है। हाँ हाँ। और इसका कॉस्ट है आपका 500 रुपये है। अच्छा। और साथ में आप देखो डॉलर है थोड़े। हाँ हाँ। उसका कॉस्ट है 200 रुपये है। और ये इधर आप देख रहे हो सिल्वर शार्क्स है, जो बड़े सिल्वर शार्क्स है उसका कॉस्ट आपका 400 रुपये है।
हाँ। छोटे जो है वो आपका 150 रुपए पैर है, और साथ में आप देखिए डॉल्फिन फिश है उसका कॉस्ट आपका 1200 रुपए पैर, छोटे डॉलर है 1800 रुपए पैर, और साथ में आप जो देख रहे हो ट्रू अपसाइड डाउन कैटफिश है तो वो ये ज्यादा बड़े नहीं होंगे, जैसे कि आपके ऑफ्रिकन कैटफिश जो आते हैं दिखने में ऐसे दिखते हैं बाद में बहुत बड़े बड़े लैंड हो जाते हैं, ये एक्चुअली ये बड़े होंगे नहीं, ये सबसे डॉप हो रहा है, ये अपसाइड में सबसे छोटे हो रहा है ट्रू का ऑफ्रिकन रेट है, उसका कॉस्ट 600 रुपए पैर। और ये सर ये आपके रेनबोज है, इसमें आपके उसमें रेनबोज है, बाद में ब्लू रेनबोज है, बाद में आपके ऑस्ट्रेलियन रेनबोज है, ओके तो बोस्मान रेनबोज जो है उसका कॉस्ट 300 रुपीज़ पेयर है, रेड रेनबोज 300 रुपीज़ पेयर है, और आपके ये जो रेनबोज है उसको ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं तो उसका कॉस्ट है आपका 200 रुपीज़ पेयर, ये आपके कोई एंजल्स है, कोई एंजल का कॉस्ट है आपका 650 रुपीज़ पेयर, काफ़ी बड़े एंजल है, छोटे तो एक्चुअली ये हम लोग निकालते हैं 500 रुपीज़ पेयर वगैरह, इसमें आप देख रहे हो उसके बड़े बड़े एंजल्स है, तो ये आपका 650 रुपीज़ पेयर है, यार इसका कॉस्ट है सारे मेल ही है आपका 250 पेयर, ये ज़ेब्रा है इसका कॉस्ट है 50 रुपये 50। अच्छा, और इस टैंक में सर? इस टैंक में आपके अरवाना है ऑलमोस्ट 9 inches प्लस है, उसका कॉस्ट है आपका 1500 रुपीज़। इस टैंक में आप जो देख रहे हो एंडलर गपीज है, तो एंडलर गपीज का कॉस्ट है आपका उस पर टाइगर एंडलर्स है, पिंगू एंडलर्स है, ब्लू एंडलर्स है, चिली एंडलर्स है, 150 रुपये। और साथ में आप जो हाइफिन कॉरीज है, हाइफिन कॉरीज का कॉस्ट है आपका 125 रुपये। और ये सर फ्लोरॉन्स है, ये टाइम पे फ्लोरॉन्स है, काफ़ी अच्छे फ्लोरॉन्स है, ये ड्यूअल टोन में भी है, गोल्डन बेज वाला भी है, ये सब फ्लोरॉन का कॉस्टिंग है आपका 2500 रुपीज़, काफ़ी है, नीचे भी है तो सर में काफ़ी फ्लोरॉन्स। और ये सर ये आपका लोकल गप्पीज है, इसका कॉस्ट है आपका 60 रुपीज़ का है, ये आपके बल्गेरियन सिल्वर एंजल्स है 800 रुपीज़ का पैर, ये आपके प्लैटिनम एंजल्स है बाजू में उसके 150 रुपीज़ का पैर, और ये आपके मनाका पुरु एंजल्स है रेड शोल्डर, और इसका कॉस्ट है आपका 1250 रुपीज़ का पैर, और ये आपके स्मोकी एंजल्स है इसका भी कॉस्ट आपका 150 रुपीज़ का पैर है, और ये आपके प्लैटिनम स्कार एंजल्स है इसका कॉस्ट 200 रुपीज़ का पैर है, और आपके नॉर्मल स्कार एंजल्स है इसका कॉस्ट आपका 60 रुपीज़ का पैर, और आप एक इंटरेस्टिंग वैरायटी आप देख रहे हैं ये मेरे सबसे काफी रेयर वैरायटी है, इसको बोलते हैं ब्लैक क्रामर रोज़, अच्छा ब्लैक क्रामर रोज़ है, और इसका कॉस्ट है आपका 3500 रुपीज़ पीस, तो बाकी जो है आपका विप्टेल्स है, विप्टेल्स में भी आपके रेड लॉरी है, रेड लॉरी कुछ 650 रुपीज़ का पेयर है, बाकी रॉयल विप्टेल्स है उसमें रॉयल विप्टेल्स कुछ 1500 रुपीज़ का पेयर है, इधर आपके प्लैटिस है, ये प्लैटिस का कॉस्ट है आपका 30 रुपीज़ का पेयर, और आपके अलगेटर्स है, अलगेटर आपके 100 रुपीज़ पेयर के, और इधर आपके फॉकटेल रेनबोज है, और फॉकटेल रेनबोज आपका कॉस्ट है 250 रुपये 250 पैर, इसमें आपके कुछ ये आप देख रहे हो ब्यूटीफुल फिश किली फिश है, सब मेल्स ही है, तो मैंने एक एक टैंक में की छोड़ा हुआ है, सब कॉस्ट है 500 रुपीज़ पीस। अच्छा, कौन सी किली फिश है? ये आपके वाइल्ड किली फिश, और ये आपके वाइट फिन टेट्रास है, और आपके ब्लैक फैंटम्स है 80 रुपीज़ का पैर, धागा है। और यहाँ पे ये आपके फेदर फिन रेनबोज है, और इसका कॉस्ट है आपका 200 रुपीज़ का पैर। नीचे को कॉरीज है आपके, स्टर्वी कॉरीज है, और इसका कॉस्ट है आपका 300 रुपीज़ का पैर। तो राजन सर इस बार तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और काफ़ी वेराइटीज है, खास करके एक्सोटिक में बड़ा ही अपने मॉन्स्टर में बड़े प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी ये दुकान प्रॉपर सेट नहीं है, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, एक्चुअली पब्लिक डिमांड में पेजर मंगाए थे कि सीजन था इसके लिए, तो हम लोग गणपति का सीजन था फेस्टिवल है सब, तो अभी मैं आज तक दुकान लगाऊंगा, दुकान लगाने में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से और एक महीने जाएगा, इधर मेरा जो सेटअप जाएगा उसका सेटअप है, चार बाय डेढ़ बाय दो चार बाय दो बाय ढाई के दो दो टैंक जा रहे हैं, ये सेम यही लेवल में आ जाएंगे, और एक महीना जाएगा सब देखने मिलेगा, उसमें काफ़ी टाइम है, क्या मतलब अभी शिफ्टिंग करने वाले दुकान लगा रहे हैं प्रॉपरली सेट भी नहीं है, अच्छा जाएगा, लेकिन आपको और कुछ सेटअप देखने मिलेंगे, आपको सेटअप नहीं है सेलिंग पीस, और आप देख सकते हो कि मेरा ट्राई का सेक्शन भी काफी अच्छा मैंने बनाया हुआ साइड में, तो ट्राई का एक अलग सेक्शन है, आपका टेट्रा का अलग सेक्शन है, जायंट्स का अलग सेक्शन है, प्लांट का अलग सेक्शन है, तो हम लोग सर लेआउट में कवर करेंगे पक्का पक्का। तो राजन सर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर आपसे बात करके, और आपने अच्छी तरीके से स्टॉक है वो दिखाया है,
तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी इजाज़त दे दो और आप इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने के। तो दोस्तों ये था वीडियो आकार एक्वेरियम का था, जिसमें हमने अलग अलग वेराइटीज़ के फ़िश है वो कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया आकार एक्वेरियम का और एड्रेस भी मेंशन किया, तो ज़रूर आप यहाँ पे विजिट करो और यहाँ से जो भी आपको एक्वेरियम फ़िश चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हो। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। टेक केयर एवरी वन एंड बाय।